hello everyone this is manvi and i welcome you all to the lecture number seven of the java programming series launched by pw skills last lecture may be studied about conditional statements in java programming and this lecture is gonna be about loops we will be studying what are loops what are iterative statements what are the type of loops and we will be also studying about two keywords called as break and continue and also we will be solving

हेलो वर्ड फिफ्टी टाइम्स तो हम क्या फिफ्टी टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे वो तो काफ़ी अजीब और काफ़ी वियर्ड और काफ़ी लेंदी नहीं हो जाएगा चलो फिफ्टी टाइम्स पहली बात तो फिफ्टी टाइम्स भी नहीं लिखना चाहिए मान लो रिक्वायरमेंट आ जाती है थाउजेंड टाइम लिखना है फिर क्या करोगे तो इस सिचुएशन में आर रेस्क्यू इज डन बाई लूप्स ठीक है तो यही होते हैं आइडरेटिव स्टेटमेंट्स हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करना है वी डू इट बाय द हेल्प ऑफ लूप्स और आइडरेटिव स्टेटमेंट्स नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा वाइल लूप फॉर लूप एंड डू वाइल लूप वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज लूप्स इन जस्ट अ मिनट ओके सो लेट स्टार्ट विद वाइल लूप जब वेन आई वेन आई सेट कि रिपीटेटिव काम करने के लिए वी यूज लूप्स तो हमें वो रिपीटेटिव काम कब तक करना है मैंने आपको एक कंडीशन दी थी कि हंड्रेड टाइम्स या फिफ्टी टाइम्स आपको हेलो हेलोवर्ड प्रिंट करना है तो देयर वॉज अ कंडीशन नो कि इतनी बार एक काउंट था कि इतनी बार ये काम करना है क्योंकि अगर आप कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो फिर वो तो एक इनफाइनाइट चीज हो जाएगी ना कि बस रिपीटेटिवली प्रिंट करते रहो बट कब तक ठीक है तो दिस इज वॉट कंडीशन इज तो हर लूप में एक कंडीशन स्पेसिफाइड होती है विच मींस कि अंटिल दिस लूप शुड रन ठीक है तो हम वाइल्ड लूप को अगर लेमन लैंग्वेज में समझें फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्ले लिस्ट है गानों की ठीक है तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपने एक गाना प्ले किया यू प्लेड वन सॉन्ग एंड देन यू पिकअप योर फोन अगेन एंड प्ले अदर सॉन्ग जितने भी सॉन्ग्स होते हैं प्ले लिस्ट में दे कैन प्ले अंटिल सॉन्ग्स आर नॉट ओवर सो अगर हम इस कंडीशन को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में सोच के देखें एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रही हूँ बस एग्जाम्पल दे रही हूँ वाइल सॉन्ग्स इन प्ले लिस्ट प्ले सॉन्ग और एक सॉन्ग जब खत्म हो जाएगा तब हम दूसरे सॉन्ग पे जाएंगे ठीक है सो दैट इज वन एग्जाम्पल और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेट्स आर ड्रिंकिंग वाटर सो लेट्स से वाइल द ग्लास इज नॉट एम्पटी ड्रिंक वाटर और वाइल स्लीप नॉट फुलफिल्ड कंटिन्यू स्लीपिंग और स्लीप नॉट फुलफिल्ड का एक क्वॉंटिटिव मेजर अगर हम ले तो स्लैप्ड आवर्स इज लेस देन एट देन कंटिन्यू स्लीपिंग तो यहाँ हमने कंडीशन दे दी कि स्लीपिंग आवर्स एट से कम है तो स्लीप करते रहो और अगर एट से ज्यादा हो गए तो उठ जाओ ठीक है ये लेम एंड लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कंडीशन का क्या मतलब है कि कब किसी काम को करना बंद करना है ठीक है वाइल लूप सेम तरह से काम करता है हम कंडीशन देते हैं और कोड लिखते हैं सो so, एक तो होगी कंडीशन नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कंडीशन के अलावा भी एक दो चीज़ें होती हैं जो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं वी हैव टू प्रिंट द सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वेर एन इज द इनपुट सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट एन नंबर्स सम नहीं लेते हैं सिर्फ एन नंबर्स को प्रिंट कराने की ट्राई करते हैं ठीक है तो हमें वन टू थ्री अप टू एन प्रिंट करना है दिस इज द क्वेश्चन नाउ एन इज़ यूजर इनपुट ठीक है इट कुड बी फाइव सिक्स एनी थिंग वी हैव टू प्रिंट इट सो क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है और हर बार सेम ही चीज़ हमें करनी है तो हम लूप्स यूज कर सकते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि हमें कब तक प्रिंट करना है जब तक हमने एन तक प्रिंट नहीं कर दिया तब तक हमें प्रिंट करना है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एन तक प्रिंट कर दिया या नहीं कर दिया तो हम ना एक नंबर इनिशियलाइज करते हैं इन नम इक्वल टू वन वाई क्योंकि नम इज दैट नंबर जो हम प्रिंट करने वाले हैं तो वाइल दिस नंबर इज लेस देन एन और लेस देन इक्वल टू एन प्रिंट दिस नंबर एम प्रिंट दिस नंबर एन यू एम ठीक है अब इनिशियली दिस नंबर इज वन बट इस नंबर को इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना हमें पहली बार जब आप लूप स्टार्ट करेंगे तो इट इज वन एंड वन लेट आपको इनपुट मिला है फाइव तो वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव एंड यू प्रिंट वन बट ना यू हैव टू प्रिंट टू राइट तो टू इस नंबर वन को हमें टू में कन्वर्ट करना है इट इज वन एंड देन वी हैव टू कन्वर्टेड टू टू और जब ये टू हो जाएगा तो हमें इसे थ्री करना है तो so, हमें क्या करना चाहिए हमें इस नंबर को बाई वन इंक्रीज कर देना चाहिए ठीक है अब लूप्स देखो कैसे काम करते हैं जो एक चीज हो गई ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज वन आइट्रेशन और जब एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी आइट्रेशन शुरू होती है ठीक है तो एक बार जब वन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा नंबर की वैल्यू वन से टू हो जाएगी उसके बाद हम क्लोजिंग ब्रेशस पे आएंगे तो पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है और अब हम दोबारा से कंडीशन टेस्ट करेंगे ठीक है तो कैसे चलता है हम यहाँ पर होते हैं कंडीशन टेस्ट करते हैं कोड को इवेलुएट करते हैं उसके बाद दोबारा यहाँ जाते हैं कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाते हैं नहीं ट्रू है तो बाहर आ जाते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ गए उसके बाद हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे फिर कोड इवेलुएट करेंगे अगर ट्रू हो गई उसके बाद अगेन अगेन अनटिल द कंडीशन इज सैटिस्फाइड दिस लूप कंटिन्यूज ठीक है तो अगर हम ये कोड लिखेंगे ना तो हमारा एन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं इनफैक्ट कोड करके एक बार रिजल्ट देखते हैं देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बाई रन ड्राई रन का क्या मतलब होता है कोडिंग की लैंग्वेज में रन का मतलब होता है जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसे हम पेन कॉपी पे बना के एक एक स्टेप को देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ठीक है सो so, एन हमें यूजर से इनपुट लेना है इंट एन इज एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेक्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम

इंक्रीमेंट ऑपरेटर राइट इफ यू remember प्लस प्लस was an इंक्रीमेंट ऑपरेटर what प्लस प्लस यूज टू डू जिस भी नंबर पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता था वो नंबर बाय वन इंक्रीज हो जाता था अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं हम नंबर को इंक्रीज ही कर रहे हैं ना बाय वन तो हम इसको नम प्लस प्लस की जगह नम प्लस प्लस लिख सकते हैं नम इक्वल टू नम प्लस वन की जगह नम प्लस प्लस दिस इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम नम प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस नम भी लिख सकते थे ठीक है बट आई यूजली यूजिंग Uh, now ऑपरेटर सो आई यूज नम प्लस प्लस नम प्लस प्लस इट इज इक्ट टू राइटिंग सब कुछ प्रिंट हो गया अब यही चीज अगर हमें बिना लूप के करनी होती तो हम कैसे करते हैं हम हम टेन टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे होते इसलिए लूप यूज होते हैं आई होप ये समझ आया होगा अब एक बार इसका ना ड्राई रन करके देखते हैं देखते हैं कि वाई लूप एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है इट्स इम्पोर्टेंट टू गो इन दीज डेप नो इन द बिगनिंग सो नम हमारे पास इनिशियली वन है ठीक so है लाइन नंबर इलेवन पेन और लेट्स इनपुट देते हैं तो वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव दिस कंडीशन इज ट्रू तो वी विल गो इन साइड द लूप जब कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लूप अपने आप ही खत्म हो जाता है एंड वी कम आउट ऑफ द लूप वट डू यू मीन बाई कम आउट ऑफ द लूप इन ब्रेसेस के बाहर जो भी कोड है उस पर आ जाएंगे हम और ब्रेसेस के बाहर कुछ नहीं है सीधा इस फंक्शन का इस मेथर्ड का एंड है which means कि प्रोग्राम खत्म होता है ठीक है तो नम प्रिंट हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम वेन नम इज वन सो नम विट प्रिंटेड ठीक है ना यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं जो भी हमारा कंसूल में प्रिंट हो रहा है so one got printed now what we did we changed the value of num from 1 to 2 now again we printed 2 Thick. 2 is also less than because 2 was less than or equal to 5 so we printed 2 now we increase the value of 3 now we will check is 3 is less than 5 3 is less than 5 so we will print 3 print ho gaya, increment ho gaya, curly braces pe aage. then go up again in the condition check is 3 less than uh, 5 so 3 printed right

प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया ठीक है तो दिस इज हाउ यू यूज वाई लूप नाउ फॉर दिस क्वेश्चन प्रिंट द सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हमें इस बार प्रिंट नहीं करना है हमें सम करना है नंबर्स का ठीक है ऑब्वियसली मैथ्स का फॉर्मुला होता था इन नेचुरल नंबर्स का प्रिंट करने का वो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बट यहाँ पे इंटेंट लूप्स की अंडरस्टैंडिंग लाना है ठीक है तो हम लूप्स के थ्रू सॉल्व करेंगे हमें क्या चाहिए आंसर में हमें हमें आंसर चाहिए सम करेक्ट सम इनिशियली जीरो मान लेते हैं ठीक अब हमें प्रिंट नहीं करना है पर हम चलिए हम प्रिंट नहीं करते हैं हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं हमें करना क्या है हमें इस सम के अंदर इस नम को ऐड करना है और तब तक करना है जब तक ये नम एन से छोटा है और अल्टीमेटली जब हमारा लूप खत्म हो जाए तो हमें ये सम प्रिंट करा के देखना है तो अगर हम वन इनपुट देंगे तो वन आउटपुट आएगा टू इनपुट देंगे तो वन और टू वन प्लस टू थ्री आउटपुट आएगा ठीक है अभी हम एक बार थोड़ा सा देख भी लेंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन हो रही हैं एक बार थ्री इनपुट देके देखते हैं थ्री इनपुट पे हमारा सिक्स आंसर आना चाहिए और सम वाज जीरो राइट एंड नम सो इन फर्स्ट आइट्रेशन दिस हमने क्या लाइन लिखी हुई है सम इक्वल टू सम प्लस नम लिखा है ना हमने सम अभी क्या है सम अभी जीरो है ऑल्सो ये जो हमने लास्ट वीडियो uh, में असोसिएटिविटी पढ़ी थी ऑपरेटर्स की एक वीडियो में है ना तो अगर आप जाके देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स की असोसिएटिविटी क्या होती है तो इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिख रहा है ना इवेलुएट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे इवेल्युएट करिए ठीक है तो पहले सम सम क्या है अभी सम जीरो इनिशियलाइज था तो जीरो नम क्या इनिशियली वन तो सम की वैल्यू हो जाएगी वन ठीक

नम की वैल्यू थ्री हो जाएगी और सम भी थ्री हो चुका है ठीक है और हमें ये कब तक करना है जब तक नम इज लेस देन इक्वल टू थ्री अब हम थ्री पे पहुंच गए हैं अभी तो हमारा सम अभी जो नंबर है वो थ्री से कम ही है और हमें पहले तीन नंबर्स का सम चाहिए तो थर्ड आइट्रेशन भी होगी ठीक है सो थर्ड आइट्रेशन के लिए सम की वैल्यू बताइए क्या है सम इज थ्री ऑलरेडी और नम नम इज ऑल्सो थ्री सो जो न्यू सम होगा वो सिक्स हो जाएगा and nums value will change to four. Now we will go again to the while condition. Condition क्या है? This num should be less than equal to n. और हमने n क्या input दिया है? Three. Num is not less than equal to n. So loop जो है terminate हो जाएगा और ultimately जो भी हमारा sum था वो print हो जाएगा. ठीक है? I hope ये समझ आया होगा. Next type of loop that we are studying is for loop. Loop ही है, same काम करता है, लिखने का तरीका अलग है. ठीक है हमने देखो वाइल लूप में ना हमने एक तो हमने पढ़ा था कि कोई कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं हम दो चीजें और कर रहे थे जो हमने कोड लिखा था वाइल का सी हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन की थी नम की नम इक्वल टू वन उसके बाद हमने एक इंक्रीमेंट लगाया था और वो हमने लूप के अंदर लगाया था कंडीशन हमने वाइल के ब्रैकेट्स में लगाई थी इनिशियलाइजेशन हमने लूप के बाहर किया था और इंक्रीमेंट हमने लूप के अंदर किया था फॉर लूप में ये तीनों चीजें फॉर के ब्रैकेट में होती हैं फॉर एग्जाम्पल आपको वन टू एन प्रिंट करना है अगेन बट यूजिंग फॉर लूप नाउ तो हमें क्या क्या चाहिए हमें एक नंबर चाहिए जिसके थ्रू हम प्रिंट कर रहे होंगे जिस नंबर को हम प्रिंट कर रहे होंगे बार बार जिसको हमने नम कहा था ठीक है तो वो हम वन इनिशियलाइज किए थे फॉर लूप क्या कहता है फॉर का सिंटेक्स देखिए यहाँ पे इनट स्टेटमेंट यहां लिखी जाती है सबसे पहले इनट स्टेटमेंट लिखते हैं और इनट स्टेटमेंट को लिखते वक्त आप टाइप भी डिक्लेयर करेंगे ऐसा नहीं है नम इक्वल टू वन लिख दिया अगर पहले से नम डिक्लेयर नहीं है तो फॉर इंट नम इक्वल टू वन उसके बाद ना ये सेमिकॉलन लगता है दिस इज पार्ट ऑफ आप ये स्किप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लगाया सेमी कॉलन अगला पूछ रहा है कंडीशन क्या है कंडीशन बताइए प्रिंट के लिए क्या थी अगर इन तक प्रिंट करना है कंडीशन थी कि नम लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए ठीक है उसके बाद फिर से सेमिकॉलन सेमी कॉलन लगा दिया उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन इज द वन जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं ठीक है जो आप फाइनली लूप में जो भी कोड हो रहा है ना उसके बाद फाइनली आप देखो इस केस में भी हमने लास्ट में इंक्रीमेंट की थी इसलिए इसका नाम फाइनल एक्सप्रेशन रखा गया है यहाँ पे कि जो आप करना था आपने कर दिया और जरूरी नहीं है एक्चुअल में आ, कि फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लूप में तो ये एंड में ही कंसिडर होती है वाइल्ड लूप में हम बीच में भी कहीं लिख सकते थे Uh, ये आपको अभी थोड़े टाइम में समझ आएगा अगर ये लाइन समझ नहीं आई है तो नो वरीज बट जो हमें इंक्रीमेंट करनी है फिलहाल के लिए आप इतना समझिए वो इंक्रीमेंट यहाँ लिखी जाती है और हम क्या इंक्रीमेंट कर रहे हैं नम प्लस प्लस हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बार बार ठीक है और बस अल्टीमेटली हमें क्या करना है नम को प्रिंट करना है प्रिंट नंबर सो दिस इज हाउ वी विल प्रिंट एन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप नाउ लेट्स डू द सेम क्वेश्चन टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बट दिस टाइम विद यूजिंग फॉर डुक सो एन हमने यूजर से इनपुट ले लिया अब हमें एन तक प्रिंट करनी है चीजें नम इक्वल टू वन दिस इज द इनिशियलाइजेशन देन सेमी कॉलन एंड कंडीशन, नम शुड बी लेस इक्वल टू एन फाइनल एक्सप्रेशन एंड आर प्रिंटेड अब ऐसा so, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इंक्रीमेंट हो रही है ना नम प्लस प्लस दिस इंक्रीमेंट ऐसा समझिए आप कि दिस you know, है ठीक है कंफ्यूज नहीं होंगे आप अगर इस तरह से सोचेंगे क्योंकि एक-एक बार समझते हैं मतलब पहले नम इक्वल टू वन था फिर कंडीशन चेक हुई नम लेस इक्वल टू एन उसके बाद ये सब कुछ हुआ फिर नम की वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर से अब ना इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दोबारा नहीं चलेगी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सिर्फ पहली बार में चलती है आप ये समझिए अब सिर्फ कंडीशन चेक होगी नम लेस देन इक्वल टू एन चेक हुआ देन प्रिंट स्टेटमेंट लगी और फिर उसके बाद नम प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई ठीक है सो नाउ द क्वेश्चन वॉज कि हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करना है ठीक है तो हमने पिछली बार जैसे किया था हम सेम चीज करेंगे सम इक्वल टू जीरो लेंगे और प्रिंट करने की जगह हम सम में और अल्टीमेटलीउटून नाउ लेट्सो इन द एगाम्पल इक्वल टू वन ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट थी ये फर्स्ट आइट्रेशन में चलती है ठीक है उसके बाद क्या होता है कंडीशन चेक होती है कंडीशन चेक होने के बाद करली बेसिस के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है एंड देन दिस फाइनल एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड इस करली ब्रेस से जस्ट पहले ये फाइनल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है एंड वॉट इज दिस फाइनल एक्सप्रेशन इन आर केस नम प्लस प्लस राइट सो नम प्लस प्लस इस पॉइंट पे होता है ठीक है और जब पहली आइट्रेशन कंप्लीट होगी दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे कोड चलाएंगे उसके बाद नम प्लस प्लस करेंगे फिर हम कंडीशन चेक कराएंगे ये जो इनिशियलाइजेशन है ये बार बार नहीं हो रही है ठीक सो so, हमने अभी क्वेश्चन किया कि हमें वन टू टेन सारे नंबर्स प्रिंट करने थे ठीक है बट नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन विच सेस की टेन टू वन रिवर्स ऑर्डर में सारे नंबर प्रिंट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं लेट्स सी इसी कोड को एडिट कर लेते हैं हमें हमें वन टेन टू वन सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं ठीक है

वन करेंगे और जब जीरो हो जाएगा तो लूप के बाहर आ जाएंगे तो इस बार कंडीशन क्या होगी हमारी कि जो नम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए वन है तो चलेगा जीरो है तो नहीं चलेगा और ये फाइनल एक्सप्रेशन ये नम माइनस माइनस होगा अब तक हम प्लस प्लस कर रहे थे बट अब हम इसको माइनस माइनस करेंगे ठीक है तो टेन होगा पहले नम टेन को प्रिंट करेंगे फिर नम की वैल्यू नाइन हो जाएगी

ये मेरा समझाने का आपको मतलब ये है कि ये जो कंडीशन चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कुछ और ये भी चेंज हो सकता है हम यहाँ पे नम इन टू इक्वल टू टू भी लिख सकते थे ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन बेसिकली ये तीनों चीजें चेंज चीज़ हो सकती है इनिशियलाइजेशन जैसे हम एन से भी कर रहे हैं वन से भी कर रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ठीक है नाउ वन फाइनल थिंग अबाउट फॉर लूप इज कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना ये तीनों ही ऑप्शनल होते हैं कहने का मतलब है एक फॉर लूप में आप नाम इक्वल टू एन अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो भी फॉर लूप चल जाएगा पर इनिशियलाइजेशन कहीं तो करनी पड़ेगी तो वो इनिशियलाइजेशन हम बाहर कर सकते हैं नाम इक्वल टू एन अगर हम लिख दें यहाँ पे तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा और प्रोग्राम हमारा एकदम सही चलेगा तो ये जो पहली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था इनिशियलाइजेशन वो ऑप्शनल है पर ये सेमी कॉलन अभी भी कंपलसरी ही है आपको ये लगाना ही पड़ेगा और ठीक है तो हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है ये जो कंडीशन है ये भी ऑप्शनल हो है और ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये भी ऑप्शनल होता है आप इसको भी हटा सकते हैं पर आपको कहीं ना कहीं तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या क्वेश्चन के लॉजिक के ऊपर डिपेंडिंग ये चेंज कहीं करना पड़ेगा तो फिर हमें इसे क्वेश्चन के लूप के अंदर करना पड़ेगा सेम आउटपुट तो ये पहला भी ऑप्शनल था आखिरी भी ऑप्शनल है इनफैक्ट ये एक पर्टिकुलर कंडीशन भी ऑप्शनल है अब आप बोलेंगे कि अगर कंडीशन हटा दी तो तो लूप बंद कैसे होगा लूप तो बंद ही नहीं होगा अगर कंडीशन हटा दी ट्रू एकदम सही बात है लूप नहीं बंद होगा अगर कंडीशन हटा दी लेकिन इसी केस में पिक्चर में आता है ब्रेक की वर्ड हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ब्रेक की वर्ड क्या होता है बट अभी बस ये याद रखिए कि ये तीनों ही एक्सप्रेशन ऑप्शनल होते हैं ठीक है आप इनको कहीं फर्स्ट uh, एक्सप्रेशन को आप लूप से पहले लगा सकते हैं और कंडीशन और फाइनल एक्सप्रेशन को लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स लर्न अबाउट डू वाइल लूप डू वाई लूप थोड़े से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ अभी तक हम क्या कर रहे थे पहले हम कंडीशन चेक करते थे उसके बाद हम कोड एग्जीक्यूट करते थे डू वाइल लूप में क्या होता है ये पहले डू करते हैं मतलब ये पहले काम करते हैं उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं कहने का मतलब ये है कुछ भी आपको करना है तो जब पहली आइट्रेशन हो रही होगी ना तो ये कंडीशन नहीं चेक करेंगे क्योंकि आप सिंटेक्स देखिए डू यहाँ पर है और डू के बाद है है तो मान लीजिए कि हम एक नंबर उसको हंड्रेड लिख देते हैं ठीक है और और पे हम डू हमारा क्या काम है हमें ना सारे नंबर्स टेन तक हमें सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं या फिर हमें कोई छोटा नंबर प्रिंट करना है जो हंड्रेड से छोटा होगा वाइल कंडीशन यहाँ आएगी वाइल दिस नम या हमें सिर्फ टेन तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं नम लेस देन इक्वल टू टेन ठीक है और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे एस आउट नम तो पता क्या होगा डू डू स्टेटमेंट जिस तरह से काम करते हैं ये डू पे आएंगे ब्रैकेट के अंदर जाएंगे जो भी इसमें लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा तो नम जो है हंड्रेड प्रिंट हो जाएगा हंड्रेड प्रिंट होने के बाद चेक होगा कि क्या हंड्रेड लेस देन इक्वल टू टेन है हंड्रेड लेस देन इक्वल टू टेन नहीं है तो अब अगली बार नहीं चलेगा तो फर्स्ट आइट्रेशन डू वाइल के केस में हर बार होती है मतलब अगर हम लॉजिकली लिखें तो यहाँ पे हमें नम प्लस प्लस भी लिखना चाहिए तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि डू वाइल में फर्स्ट आइट्रेशन हमेशा होती है और सेकेंड आइट्रेशन से चेक होना शुरू होता है कंडीशन ठीक है तो फॉर दिस केस हंड्रेड प्रिंट होगा इवन दो इट वॉज नॉट लेस देन इक्वल टू टेन ठीक हम एक एग्जाम मैं इस चीज को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ फटाफट डू वाइल के लिए

यहाँ पे भी सेमी, सेमी कॉलन लगेगा तो डू का सिंटेक्स कैसा है डू लिखना है डू इज अ कीवर्ड उसके बाद ब्रेसेस लगाने हैं फिर वाइल लिखना है के अंदर कंडीशन देनी है सेमीकॉलन लगाना है तो ट्वेंटी प्रिंट हो गया इवन दो ट्वेंटी uh, उसके बाद भी फर्स्ट टाइम में ये प्रिंट हो गया बट अगर हम लेट्स से यहाँ पे वन uh, दे देते हैं कोई भी छोटा नंबर देते हैं तो ये ठीक काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो वन से टेन तक प्रिंट हो गया क्योंकि पहले इसने वन प्रिंट किया फिर नम की वैल्यू इंक्रीज करके टू कर दी और टू लेस देन टेन है तो दोबारा से टू प्रिंट कर दिया फिर थ्री वैल्यू तो इस केस में ठीक चल रहा है तो दिस इज 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 डू लूप नॉट द द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंट सम ऑफ ऑफ स्ट्रीम इंटीजर्स इन इनपुट अब स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स इन द इनपुट का क्या मतलब होता है कि फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ही सम देना है इसका मतलब यह है यूजर आपको जो भी इनपुट दे रहा है यूजर कह रहा है थाउजेंड ऐड कर दो फाइव हंड्रेड थाउजेंड में फाइव हंड्रेड एड करो ट्वेंटी सिक्स ऐड करो फोर्टी फाइव ऐड करो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स आ रही है और आपको सबको ऐड करना है ठीक है ये क्वेश्चन हमें करना है अब क्या करें सोचें एक बार इसके बारे में तो देखिए इसमें ना ब्रेक स्टेटमेंट यूज होने वाली है तो एक्चुअली एक काम करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं फिर ब्रेक स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक तो हमें यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को ऐड करते जाना है पर हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ऐसी पहचान चाहिए कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि अब यूजर इनपुट नहीं देना चाहता तो हम क्या करते हैं हम माइनस वन को एक ऐसा नंबर मान लेते हैं कि जब भी यूजर ने माइनस वन दिया उसका मतलब ये है कि यूजर और नंबर ऐड नहीं करवाना चाहता है ठीक है एक बार थोड़ा सा कोड लिखते हैं इसके लिए ठीक है तो हमने यूजर से इनपुट लिया और वाइल क्योंकि हमें बार बार कुछ करना है बार बार मतलब रिपिटिव मतलब कोई लूप ठीक है तो हम यहाँ पे वाइल्ड लूप यूज कर रहे हैं वाइल्ड लूप में क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे फॉर या डू वाइल नहीं कर सकती थी कर सकती थी बट हम एक चीज और डिस्कस करते हैं आप ना यूजअली फॉर लूप या वाइल्ड लूप यूज कर रहे होंगे डू डूबाइल लूप कम ही यूज होता है तो यूजअली आप फॉर लूप या वाइल्ड लूप यूज कर रहे होंगे तो फॉर लूप और वाइल्ड लूप में जब आपको चूज करना होता है ना तो मोस्टली लेट्स से अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है कि आपको एंड टाइम्स कोई काम करना है तो आप फॉर लूप चूज कर लीजिए या आपको कोई लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दी हुई है एरे दिया हुआ है तो आप फॉर लूप यूज कर लीजिए उसके ऊपर हाइट्रेट करने के लिए और अगर कभी कुछ ऐसा है जिसमें हमें पता नहीं है कि अल्टीमेटली हमें यू you नो know, कितनी बार ये काम करना है शायद बाद में पता चलेगा अभी नहीं पता कंडीशन मतलब पहले से अगर स्पेसिफाइड नहीं है बहुत क्लियर नहीं है तो आप वाइड लूप यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबल है जैसे जैसे आप कोड करते रहेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉग होती रहेगी कंफर्ट के ऊपर एक्चुअली अब जैसे इस केस में हमें कब तक सम uh, करना है जब तक ये जो हमें यूजर इनपुट दे रहा है ये इनपुट वन माइनस वन नहीं है तब तक हमें प्रिंट करना है तो वाइल ऐसा लिख लेते हैं वाइल दिस नम इज नॉट इक्वल टू माइनस वन और एक सम वेरिएबल ले, ले लेते हैं और हमें सम में नम ऐड करना था ठीक है और क्या करना है हमें अब ये नम जो है नम प्लस प्लस करना है ये नम कहाँ से आएगा नम को कैसे चेंज करना है नम को हमें यूजर से फिर से इनपुट लेना है तो हम लूप के अंदर इनपुट ले रहे हैं और जब तक यूजर माइनस वन इनपुट नहीं दे देता तब तक हम इनपुट लेते रहेंगे जब यूजर -1 दे दे, तो हम उसको टू ऐड so, करते हैं थ्री ऐड करते हैं अब तक सम क्या हो गया होगा बताइए थ्री टू फाइव वन सिक्सटीन अब हो गया बहुत माइनस वन जैसे माइनस वन प्रेस किया पूरा का पूरा सम प्रिंट हो गया सिक्सटीन ठीक तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं लगी क्योंकि मैंने कोड को कुछ इस तरह से लिख दिया हम सेम चीज को डू वाई लूप से लिख सकते थे देखिए कैसे डू वाई नम इज नॉट इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे सेमी कॉलन और सम में हमें क्या करना है नम ऐड करना है और नम को ऐड करने के बाद हमें फिर से यूजर से इनपुट लेना है तो देखिए क्या होगा आप नम पहला नंबर इनपुट लेंगे पहला नंबर हमने लूप के बाहर इनपुट लिया उसको हमने सम में ऐड किया ठीक उसके बाद हमने दूसरा नंबर इनपुट लिया और ये जो दूसरा नंबर हमने इनपुट लिया इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये माइनस वन तो नहीं है एक बार रन करके देखते हैं जो हमने पहले इनपुट दिया था वही देते हैं वन टू थ्री एंड माइनस वन तो सिक्सटीन आ गया अब हमने क्योंकि डू वाइल लूप यूज किया है तो देखिए क्या होगा डू डोवाइल लूप में हर बार पहला वाला इटरेशन तो रन होता ही होता है नाम इक्वल टू माइनस वन दिया ठीक तो माइनस वन के बाद अब माइनस वन पे होना क्या चाहिए था यहाँ पे जीरो आ जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि हमने डूवाई लूप यूज किया है तो सम में माइनस वन एड हुआ और अब ये दूसरा इनपुट मांग रहा है अब हम इसको दूसरा इनपुट लेट से क्या दें हम दूसरा इनपुट हम इसको दे दे देते हैं, या 2 दे देते हैं हैं या में इसको -1 रुक जाना चाहिए था और हमें सम जीरो था हमें कोई नंबर ऐड नहीं तो हम दोबारा से माइनस वन देते हैं क्योंकि हमें कोई नंबर ऐड करने ही नहीं थे तो अब इसने माइनस वन आउटपुट दिया जीरो आउटपुट नहीं दिया क्योंकि पहली बार में माइनस वन सम में ऐड हो गया था उसके बाद कंडीशन चेक होना शुरू हुई दूसरे आइट्रेशन से ठीक है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कि डू वाई लूप में पहला इटरेशन तो हर बार चलता ही चलता है ठीक है हम सेम चीज को ब्रेक स्टेटमेंट में भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके भी कर सकते थे पर मैंने कहा ठीक है चलो अभी तक ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए ब्रेक स्टेटमेंट के अलग क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे बट एज अ होमवर्क आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा लेक्चर के बाद यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट ठीक है अब ये ब्रेक कीवर्ड है क्या ठीक है ब्रेक ब्रेक बहुत देर से हम ब्रेक ब्रेक बात कर रहे हैं तो फाइनली बात करते हैं कि क्या क्या है। break keyword न, literal, है है? है है। देखिए का ना में मतलब होता लगा दो। for loop क्या है? For loop है गाड़ी गाड़ी है जो चलती जा रही है. और उस गाड़ी को अगर हम बोलेंगे break, लगाओ, तो वो ब्रेक लगा देगी कहने का मतलब ये है कि लूप चलते चलते बंद हो जाएगा जहां उसे ब्रेक लिखा हुआ दिख गया वही फॉर लूप बंद हो जाएगा ठीक है सो so, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मान लीजिए आपको हमारे पास एक लूप था फॉर एंड नम इक्वल टू वन टू नम लेस देन इक्वल टू टेन और नम प्लस प्लस और हम प्रिंट कर नम ठीक है पर फॉर सम रीजन अब हमारा मन किया कि हमें नम नहीं प्रिंट करना है फाइव के बाद ठीक है तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस होगा कि अगर नम फाइव हो जाए इक्वल टू इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ है ना इक्वालिटी ऑपरेटर होता है तो नम इगर नम अगर फाइव हो जाए तो ब्रेक कर दें हमने कंडीशनर्स भी पढ़े हैं इफ पढ़ा था हमने इफ के बाद हम ब्रेसेस लगाते हैं और मैंने बताया था कि अगर आप हाँ ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट होती है तो अगर हम यहाँ पे ब्रेसेस ना लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रेक तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेसेस लगा देंगे तो भी सेम ही रहेगा ठीक है तो इस प्रोग्राम का पता है आउटपुट आपको क्या आएगा वन प्रिंट होगा टू प्रिंट होगा थ्री भी प्रिंट होगा फोर प्रिंट होगा लेकिन जैसे ये देखेगा ना कि नम फाइव हो गया है तो ये कहेगा कि बस लूप खत्म आगे नहीं चलेगा कुछ भी सिक्स सेवन एट नाइन टेन कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा बस मैं हाँ खुद को रोक रहा हूं अगली लाइन भी नहीं चलेगी जहाँ ब्रेक दिख गया वहीं लूप खत्म तो बस इतना आउटपुट आके बात खत्म सो दिस इज वॉट इज दिस इज दिस इज वॉट इज डन बाय द ब्रेक की वर्ड ना लेट्स क्वेश्चन आपको यूज केस ना ब्रेक की वर्ड का इससे समझ आएगा इस वाले एग्जाम्पल से कि प्रिंट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फाइव विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ सेवन अब तक हम क्या कर रहे थे हमने प्रिंट किए हैं हमने बहुत प्रिंट करे अब तक कि वन टू थ्री फोर फाइव सब कुछ प्रिंट करते रहते थे हम अब ये कह रहा है कि इस पूरी स्ट्रीम ऑफ नंबर्स में मुझे पहला वो नंबर चाहिए जो फाइव का भी मल्टीपल हो और जो सेवन का भी मल्टीपल हो ठीक है तो ये कैसे हो अब इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ जनरेट होता है कि हम पहली बात तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करें या फाइल लूप यूज़ करें आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है हम हम इस क्वेश्चन को फॉर लूप और वाइल लूप दोनों में लिख के देखेंगे और ब्रेक कहाँ यूज़ होगा ये भी देखेंगे ठीक है मान लो अगर हमें फॉर लूप यूज़ करना है तो हम क्या इनिशियलाइज करें हम क्या कर रहे हैं हम नंबर्स की स्ट्रीम प्रोसेस कर रहे हैं तो नम तो आप वन से इनिशियलाइज कर सकते हैं ठीक है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कंडीशन तो ऐसा सच कुछ समझ नहीं आ रही ना कि क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फाइव वन मल्टीपल ऑफ सेवन कब तक चलाएं हमें नहीं पता हो सकता है कि हमें पता है कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फाइव और सेवन जो है थर्टी फाइव होता है हमें अपने दिमाग से पता है पर हमें लग से कंप्यूटर को पता चलवाना है तो हमें नहीं पता कि हम फिफ्टी तक चलाएं हंड्रेड तक चलाएं तो ऐसे सच कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है राइट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हमें पता है कि चलो हम नम प्लस प्लस ही कर लेंगे हर बार कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो वाइल्ड लूप में हमें कंडीशन चाहिए होती है इनिशियलाइजेशन चाहिए होती है अगेन कंडीशन हमारी अभी फंस रही है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए जब ये लूप ब्रेक हो जाए ठीक ब्रेक हो जाए देखा मैंने वर्ड ब्रेक यूज़ किया है यहाँ पर तो हमें कुछ तो करना है पर हमें ये नहीं पता कि हमें कब रुकना है ठीक तो कोड के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं हमें ये पता है कि हमें नम को वन से इनिशियलाइज करना है हमें वाइल्ड लूप में हम वाइल्ड से करते हैं इसको हमें वाइल्ड लूप में कंडीशन नहीं पता कि कब तक इसको चलाना चाहिए है. ठीक है पर हमें प्रिंट कब करना है हमें यह पता है क्या हाँ जब फाइव और सेवन दोनों का मल्टीपल मिल जाए तब हमें प्रिंट करना है तो नम मॉडल ऑपरेटर पढ़ा था ना रिमाइंडर लेते हैं मल्टीपल है ये कैसे पता चलेगा अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ गया फाइव के साथ एंड एंड ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर होता है दो बार एंड लिखते हैं दो बुलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने में यूज होता है मॉडल सेवन इज इक्वल टू जीरो ठीक है इन दोनों कंडीशन को हम चलिए काम करते हैं अलग अलग राउंड ब्रेसेस में लिख देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, है तो हमें लिखना फाउंड आंसर क्या आंसर मिल गया हमें नम ठीक है आंसर तो हमें मिल गया ठीक है वो एकदम सही है पर अब क्या मतलब आंसर मिल गया लेकिन एक बार जब आंसर मिल जाता है तो क्या हमें आगे मान लीजिए इस केस में हमारे पास थर्टी फाइव पे रुकेंगे हम थर्टी फाइव के बाद क्या हमें थर्टी सिक्स को इवेलुएट भी करना है नहीं करना ना क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर चाहिए था और फर्स्ट नंबर हमको थर्टी फाइव मिल चुका है ठीक है तो इस केस में हम क्या करें हमें थर्टी फाइव पे रुकना है जैसे ही हमें आंसर मिल गया वी हैव टू स्टॉप दिस लूप सो वॉट डू वी डू टू स्टॉप द लूप ब्रेक की वर्ड यहाँ लगा देंगे हम ब्रेक की वर्ड अब बात रही कि ये कंडीशन क्या हो देखिए यहाँ पे कंडीशन जब इवेलुएट होती है तो अल्टीमेटली ट्रू या फॉल्स लिखा जाता है मतलब जब हम लिख रहे थे नम लेस देन इक्वल टू तो नम लेस देन इक्वल टू तो तो ट्रू या फॉल्स में ही हो रहा था ना तो हम यहाँ पे ना ट्रू लिख देते हैं कहने का मतलब है ये चीज हमेशा ट्रू ही रहेगी मतलब ये लूप हर बार एग्जीक्यूट होगा कोई कंडीशन चेक नहीं होगी हर बार हम लूप के अंदर जाएंगे और लूप से हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं यूजिंग दिस ब्रेक की ठीक है तो एक बार इसको रन करके देखते हैं तो फाउंड आंसर अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ब्रेक की वर्ड ना लगाऊ ना और फिर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊ तो देखिए पता नहीं कहा कितने ही आंसर ही आंसर प्रिंट करे जा रहे हैं रुक ही नहीं रहे हैं तो इसलिए ब्रेक कीवर्ड लगाना जरूरी होता है आ, ऐसे केसेस में ठीक तो आई होप आपको ब्रेक की वर्ड का यूज केस और कैसे ब्रेक की वर्ड यूज करते हैं ये समझ आ गया होगा नाउ देर इज अनदर की वर्ड कॉल्ड एज कंटिन्यू ब्रेक की तो लूप को पूरी तरह टर्मिनेट कर देता था ठीक है अब कंटिन्यू की क्या करता है फॉर एग्जाम्पल एक रियल वर्ड क्यू है ठीक है और उस क्यू में बहुत सारे लोग मूवी की टिकट खरीद रहे हैं फर्स्ट इंसान ने खरीदी फिर उसके पीछे सेकंड बंदे ने खरीदी फिर थर्ड ने खरीदी फिर फोर्थ बंदे की जब बारी आई टिकट खरीदने की तो उसको कुछ काम आ गया उसके से उसके घर से कॉल आ गया वॉट उसको अब नहीं देखनी मूवी और उस फोर्थ बंदे के पीछे ना फिफ्थ सिक्स तो खड़े हुए भी हैं तो फोर्थ बंदा क्या करेगा वो क्यू से हट जाएगा और अपने पीछे वाले लोगों को बोलेगा कि कंटिन्यू हैव फन मूवी देखो मैं जा रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पे सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट द कंटिन्यू की वर्ड डज इन अ लूप करंट आइट्रेशन को रोक देता है पर नेक्स्ट आइट्रेशन होती है तो करंट आइट्रेशन स्टॉप्स एंड द फ्लो गोस टू नेक्स्ट दिट्रेशन ठीक एक एग्जाम्पल से समझते हैं देखो सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है 1 से 50 तक एक्सेप्ट फॉर द मल्टीपल्स ऑफ थ्री सेम एग्जाम्पल जैसे हमने अभी मूवी वाला एग्जाम्पल लिया हर तीसरे बंदे को घर पे कुछ काम आ रहा है और वो मूवी देखने नहीं जा रहा ठीक तो हमें उस तीसरे बंदे को छोड़ के बाकी सारे बंदे को टिकट्स खरीदवानी है कहने का मतलब है सबको प्रिंट करवाना है ठीक है तो हम ये कैसे करेंगे ठीक है तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस हमें पहले इनिशियलाइजेशन करनी होगी नम इक्वल टू वन की अब हम यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं अगेन और वाइल्ड लूप भी यूज कर सकते हैं तो इस बार चलिए फॉर लूप यूज करते हैं पिछले कोड में वाइल्ड लूप यूज किया था नम इक्वल टू वन नम लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन नम प्लस प्लस अब देखिए यहाँ पे ना एक एरर आ रही है क्यों आ रही है एरर क्योंकि मैंने नम इक्वल टू वन यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया और मैं सेम वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर कर रही हूँ और एक स्कोप के अंदर दो वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हो सकते इसलिए ये एरर आ रही है तो हम यहाँ से इस डिक्लेरेशन को हटा देते हैं अब हमें करना क्या है हमें प्रिंट करने हैं सारे नंबर्स पर हमें कब प्रिंट नहीं करना अगर हमें अगर मैं इसको चला के देखने लग जाऊँ तो होगा क्या तो वन से फिफ्टी तक सब कुछ प्रिंट हो जाएगा पर मुझे ना सब कुछ प्रिंट नहीं करना था मुझे थ्री प्रिंट नहीं करना था सिक्स प्रिंट नहीं करना था नाइन प्रिंट नहीं करना था मुझे थ्री का कोई भी मल्टीपल प्रिंट नहीं करना था पर उसके बाद प्रिंट करनी थी चीजें ठीक है तो अगर मेरे को कोई थ्री का मल्टीपल मिला कैसे पता चलेगा थ्री का मल्टीपल है इफ यूज करेंगे इफ इज कंडीशनल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मॉडल ऑपरेटर एंड इक्वलिटी याद रखिए यहाँ पे सिंगल नहीं लगाना है सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वालिटी चेक करना अगर ऐसा है तो ये क्या बोलेगा कि कंटिन्यू मुझे मेरे को मत प्रिंट करो मेरे को कुछ नहीं करना आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट सो देखिये वन टू थ्री प्रिंट हुआ फोर फाइव सेवन एट टेन ठीक क्योंकि क्या हुआ नम मॉडल थ्री इक्वल टू जीरो था थ्री के लिए तो नम की वैल्यू ना फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन चलता है फॉर लूप में फाइनल एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिटली चलाने की जरूरत नहीं होती वो खुद से चलता है तो नम फोर हो गया ठीक है अब यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज है आ, इसको एक बार वाइल लूप से भी लिखते हैं क्योंकि उसमें एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वाइल से अगर हमें लिखना है तो हमें क्या करना है वाइल्ड के लिए हम इनिशियलाइज बाहर से कर देते हैं पहले नम इक्वल टू वन और नम लेस देन इक्वल टू फिफ्टी नम प्लस प्लस और एस आउट नम पर हमें इससे पहले ये चेक करना होगा कि अगर नम और प्लस थ्री जीरो है तो कंटिन्यू कर दो अब ना एक प्रॉब्लम है इस कोड में स्पॉट करिए क्या प्रॉब्लम है मैं एक बार रन करती हूँ आपको फिर बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है वन टू उसके आगे ना कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ और प्रोग्राम ना चल ही जा रहा है प्रोग्राम रुका भी नहीं है ये ये ना एक ये कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुई हुई है 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 ठीक मैं अभी आपको बताती हुई क्या देखिए नम की वैल्यू जब थ्री हुई तो हमने ना कंटिन्यू कर दिया कंटिन्यू का क्या मतलब था नम इक्वल पहले नम वन था तो वन प्रिंट हुआ फिर नम की वैल्यू टू हो गई फिर टू प्रिंट हुआ ये वाली चीज नहीं एग्जीक्यूट हुई फिर नम की वैल्यू थ्री हो गई अब जब नम की वैल्यू थ्री हो गई ना तो ये वाली चीज ट्रू हुई नम मॉडल थ्रू ये ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू हो गया तो हमने किया कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करता है पूरी आइट्रेशन को रोक देता है और अगली आइट्रेशन पे जाता है तो ये आगे जो भी लिखा हुआ था लाइन सिक्सटीन और लाइन सेवनटीन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई हम फिर से यहां पहुंच गए पर आप मुझे ये बताइए कि नम की वैल्यू क्या है नम की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई नम अभी भी थ्री है तो यहाँ पे थ्री मोडलस थ्री फिर से जीरो है फिर से कंटिन्यू हो गया फिर ऊपर गए फिर थ्री 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 के बाद कंटिन्यू ही होते जा रहा है नम की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही क्यों नहीं चेंज हो रही क्योंकि नम लिखा हुआ था यहाँ पे और हमने इस पॉइंट पे कंटिन्यू कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे भी नम प्लस प्लस लिखना पड़ेगा अब चलाते हैं देखिए अब ठीक चल गया तो ऐसा नहीं कि दो बार नम प्लस प्लस हो रहा है जिस केस में नम प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा है हम कंटिन्यू कर ही दे रहे हैं तो एक ही बार हो रहा है वो लेकिन फॉर लूप में हमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना पड़ा था क्योंकि फॉर लूप में देखिए फॉर लूप में फाइनल एक्सप्रेशन खुद से चल जाता है वो हमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना पड़ता इसलिए हमें फॉर लूप में यहाँ पे नम प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ा था इसकी जरूरत हमें नहीं थी पर वाइल लूप में हमें इसकी जरूरत थी ठीक है तो दिस वॉज दिस क्वेश्चन नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड लेबल्स इन जावा आप कंटिन्यू और ब्रेक की के साथ ना लेबल्स यूज कर सकते हैं कहने का मतलब ये है कि आप जो लूप लिख रहे हैं या जो आप वाई लूप लिख रहे हैं या जो आप डू वाई लूप लिख रहे हैं आप उनको कोई नाम दे सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल लद से इसी वाले में हम लेबल्स देख लेते हैं कि लेबल्स क्या होते हैं हम इस लूप को ना नाम दे देते हैं ठीक है मैं इसको कुछ भी नाम दे सकती हूँ लद्स से मैंने नाम ले दिया माई लूप ठीक है तो इस लूप लूप का नाम हो गया माय तो जब भी भी हम कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से लूप पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ठीक है तो हम इसको रन करके देखते हैं तो जो हम चाह रहे थे वो हो गया बस फर्क इतना आया कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया अब आप बोलोगे कि यार इसका क्या फायदा है मतलब क्यों कर रहा है ऐसा कोई यूज तो हुआ नहीं इसका है ना एक्चुअल में अभी आपको यूज नहीं दिख रहा है पर अभी हम

इसको ब्रेक कर रहा है या बाहर वाले को ब्रेक कर रहा है एक्चुअली देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है अगर आप कोई लेबल नहीं दे रहे हैं और स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो जस्ट इमीडिएट वाले पे ब्रेक या कंटिन्यू चलता है कहने का मतलब यह है कि ये वाला लूप ब्रेक होगा पर अगर आप बाहर वाला लूप ब्रेक करना चाहते थे तो आप क्या करते तो आप ये करते आप इसको आउटर लिखते आप इसको इनर लिखते और यहाँ पे आप लिखते ब्रेक आउटर इसका कोड का कोई लॉजिक नहीं है सिर्फ मैंने आपको आ, लेबल्स क्या होते हैं ये समझाने के लिए बस ये लिख दिया ठीक तो ये होते हैं लेबल्स ऑल्सो जरूरी नहीं है कि अगर आपको बाहर वाला ही बाहर वाला लूप आपको टर्मिनेट करना है तो आपको लेबल्स यूज करने पड़ेंगे आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे आपको और चीजें समझ आएंगी कि और क्या तरीके हैं मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती ये बता के कि, कि और कैसे कर सकते हैं बट हो सकता है और भी तरीकों से बिना लेबल यूज के बट एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है और काफी कूल है तो जानना अच्छा है सो दोस्तों इस लेक्चर की थ्योरी हमने कर ली है खत्म आई होप कि लूप्स आपको समझ आए होंगे और अब थोड़े से एमसीक्यूज देखते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं तो ये आपको जो स्निपेट दिख रहा है स्क्रीन पे इसका आउटपुट हमें बताना है आई की वैल्यू वन से इनिशियलाइज होगी ठीक है फॉर लूप को जैसे चलाते हैं ना वैसे ही चला के एक बार ड्राई रन करते हैं पहली बार लूप चल रहा है तो आई इक्वल टू वन इनिशियलाइज होगा तो फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई लेन फाइव है, करेक्ट है फिर क्या ये चलेगा नहीं जी अब भी नहीं चलेगा ए प्लस प्लस पहले हम यहाँ जाएंगे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे क्या है आई और कॉमा प्रिंट हो रहा है तो वन और कॉमा प्रिंट प्रिंट हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू टू हो जाएगी अब हम दोबारा से ऊपर जाएंगे फॉर लूप पे और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी पहली बार चली थी सिर्फ अब हम सिर्फ कंडीशन चेक करेंगे कि क्या टू टू क्या टू लेस देन फाइव है हाँ जी तो फिर से टू को प्रिंट कर देंगे और टू के बाद फिर से कॉमा भी प्रिंट करेंगे यहाँ पे सिर्फ वन प्रिंट नहीं हो रहा है वन के साथ कॉमा भी प्रिंट हो रहा है कहने मतलब आई और कॉमा प्रिंट हो रहा है फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी और थ्री कॉमा प्रिंट हो जाएगा फिर आई की वैल्यू फोर हो जाएगी फोर कॉमा प्रिंट हो जाएगा अब देखिए जब आई की वैल्यू फोर प्रिंट हो गई उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर फाइव हो जाएगी ना तो फाइव के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि फाइव लेस देन फाइव इज फॉल्स तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या आउटपुट बन के आ रहा है ये सो दिस इज आर आंसर वट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट देखिए एक सिचुएशन अभी हमारे सामने कोड करते वक्त भी आई थी हमने दो बार डिक्लेयर कर दिया था यहाँ भी यही हो रहा है आईकुल टू गुज जीरो का आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया और सेम ही आप यहाँ भी डिक्लेयर कर रहे हैं बट सेम स्कोप में आप ऐसे सेम नहीं रख सकते वेरिएबल्स के नाम ठीक तो कंपाइलेशन एरर रहेगी नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आउटपुट क्वेश्चन इक्वल टू वन है और ए लेस देन फोर और प्रिंट कर रहे हैं प्लस प्लस कर रहे हैं ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं तो आप कॉमेंट्स में मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा ठीक आज के लेक्चर के लिए इतना ही आई होप आपको लूप्स लूप्स के टाइप्स लूप्स का यूजेज ब्रेक और कंटिन्यू की वर्ड ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी आप पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट पर नोट्स भी रेफर कर सकते हैं और अगर आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है तो आप लेक्चर को दोबारा देखिए नोट्स पढ़िए कुछ ये जो हमने कोड किया है ना इस कोड को अपने आप लिखिए जब जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे खुद नहीं सोचेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे ठीक है तो सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा आपको कोड खुद से करना पड़ेगा सो फॉर लूप्स की प्रैक्टिस कीजिए आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए और अगले दो लेक्चर्स में हम लूप्स की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं क्योंकि आई अंडरस्टैंड शुरुआत में हो सकता है लूप समझ में ना आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर हम हैं तो क्या गम है हम हाँ, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे पीडब्ल्यू स्किल्स के इस प्ले में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे अगले दो लेक्चर्स हम लूप्स के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज अ जेंटल रिमाइंडर आप पी डब्ल्यू स्किल्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जाके लेक्चर्स के नोट्स असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें लेक्चर्स के वीडियोज़ तो देखें ही बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ प्रैक्टिस -साथ क्वेश्चन भी सोल्व करते रहेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं